लगी किसी की सुखी रहो, कितना बड़ा हो गया है। अरे आरती की थाली लेकर आओ, जाओ। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं नहीं कोई नहीं। अच्छा। ला, 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 जल्दी लाओ। आवा बिल्कुल राजकुमार दिखता है। बहुत अच्छा, रंग ढंग बदल गए ना सदा तुम दिखा था। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए इसे। अरे उसको कहाँ नजर लगेगी दादी, मुझ जैसे हैंडसम लोगों को नजर लगती है, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा सुन, मैं तेरी अकल के हिसाब से तुझे एक बढ़िया सा काम देता हूँ। वो क्या है? तबेले में जाके गोबर साफ कर। मैंने सोचा था समझदार हो गया, लेकिन अब भी गोबर पे ही अटके हो। अरे 8 साल हो गए गोबर साफ करते करते, इसकी तरह मेरी आरती कब उतारोगे? ये कौन है? ये घर का नौकर है, हमेशा हंसा है। ऐसा है, लेकिन बातें तो बड़ी अंदर लेके चल। आओ बेटा चल। बड़ा है, चल चलो अंदर चलते हैं। दादाजी आजा बेटा, आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है जीतू। जब तू छोटा था ना तो कहता था दादा दादा मुझे बड़े पटाखे चाहिए, बड़े पटाखे दे दो। और अब देखो ये इतना बड़ा हो गया है कि अब इसके लिए लड़की खोजनी पड़ेगी। क्या दादाजी, अभी मेरी शादी की उम्र है क्या? इतने सालों बाद आया है, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी देखिए, ये गांव है और यहाँ बस खेत, गाय, मिट्टी, कीचड़, इसके अलावा है ही क्या? ये बताइए ये यहाँ पर आएगा ही क्यों? क्या दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ गया ना अब तो खुश हो? अरे बहुत खुश है हम सब, तेरे आते ही पूरे घर में रौनक आ गई। थैंक यू दादाजी। हाँ तू एक काम कर, हाथ मुंह धो के सीधा खाने के लिए आ जा, तेरी पसंद की सब्जी, दाल, रायता, चटनी सब बनाई है, बहुत पसंद आएगा तुझे। सही कहा ना? बहुत भूख लगी है, खाना लगवाइए, मैं अभी आता हूँ। ओके चले हैंडसम। चलो चलो बताता हूँ कहाँ चलना है, चलो चलिए आइए। त्योहार इतने अच्छे से मनाया जाता है मुझे पता ही नहीं था। अरे क्या बॉस, आप यहाँ मेला देखने और एंजॉय करने की बजाय सिर्फ अपने मोबाइल से फोटो ही खींचने में लगे हो, आपको जरा से भी अक्ल नहीं है क्या? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसमें यहाँ की यादें हैं जो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। दिखाओ दिखाओ यादें दिखाओ, अबे तू क्यों दांत दिखा रहा है बे? हाँ निकालो निकालो निकालो, ये लो पोज भी दे रहा हूँ मैं। निकालो। तू हटना। मेरी फोटो नहीं निकाल रहा। देख हरी चड्डी वाला, हाँ बिल्कुल हीरो जैसा है ना, देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा है। सब लड़कियाँ इसकी चड्डी को ही देख रही हैं। चड्डी तो मैंने भी पहनी है, अभी दिखाता हूँ। अरे ए, तूने लुंगी क्यों उतार दी? तुझे शर्म नहीं है क्या? ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं उतारी, बल्कि ये लड़कियां मुझे देखें इसलिए उतारी। तूने अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? चड्डी में तुझे कौन लड़की देखी? अच्छा जब तुम्हारी चड्डी लड़कियां देख सकती हैं, तो फिर मेरी क्यों नहीं देख सकती? मैं चड्डी में अच्छा नहीं दिखता, देखने दो उन्हें। ठीक है तू ऐसे ही खड़ा रहे, यहाँ कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगी। ओके मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। ओके जाओ, देखते हैं दोनों में से कौन लड़की पटा पाता है। लंगूर कहेंगे।
बाहुबली रुक जाओ ना। बात हुई भाई, तुम्हारे बैंगलोर में तो हजारों लड़कियां हैं, उन्हें छोड़कर तुम मेरी डार्लिंग पर चांस मार रहे हो, ये कहां का न्याय है भाई? अबे तेरी डार्लिंग कौन है? वही जिसका तुमने हाथ पकड़ा था। ए, मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ तुझे पता है? नहीं पता। ए, उधर देख। अरे ये स्वाती है, तेरे बचपन की दोस्त। क्या हुआ, कहाँ खो गया? अब तक तो अमरीश पुरी बना हुआ था, अब अचानक से शाहरुख खान बन गया। अब तो दोनों रोमांस ही करोगे, सही कह रहा हूँ ना? स्वप्न सुंदरी, इसके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। मुझे क्या करना है, मैं चुपचाप से सो जाता हूँ। नहीं आ रहा, क्या करूं यार, उठना यार, उठ जाना प्लीज, उठना, उठ। बॉस ये गलत बात है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या मुझे भी नींद नहीं आएगी? सो जाओ ना चुपचाप। मुझे मेरे सपनों की रानी को देखना है, चल देख के आए क्या? तुमने अपने सपनों की रानी के चक्कर में जब मुझे लात मारी तभी मेरे सपनों की रानी भाग गई, मैं नहीं आने वाला। नहीं आएगा? अबे तुझे मार डालूंगा मैं। इतनी रात में ये सब करना ठीक नहीं है, मेरी बात मानो, चुपचाप से सो जाओ। अगर किसी ने ये सब करते देख लिया तो बहुत पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप सो जाओ बॉस। ए, अगर तू साथ चलेगा तो तू अपनी वाली को देख लेना, मैं अपनी वाली को देख लूंगा। इसमें इतना सोचना क्या है यार? अच्छा ऐसा क्या, ठीक है चलो, रुको चप्पल पहन लेता हूँ। बॉस अगर हम ये करते पकड़े गए तो पेड़ से बांध कर मारेंगे अपने। अरे वाह, मेरी डार्लिंग को कोई चिंता ही नहीं है, घोड़े बेच के सो रही है। जरा देखो काली घटाओ जैसे, उसके बाल होड़ बिल्कुल टमाटर जैसे लाल। मेरा तो दिल कह रहा है कि इस बुलडोजर के नीचे आके मर ही जाऊं। मुझे एक डाउट, क्या है वो? क्या है कि तू एक काले मुर्गे जैसा है हाँ। और वो एक सफेद मुर्गी जैसी, तू काला है और वो सफेद, ये जोड़ी जमेगी कैसी? समझ नहीं आ, वो क्या है ना, जब मैं एक दिन घर में ऑमलेट बना रहा था ना, तो ये मेरे घर में आती है, मुझे देखती है और हम दोनों में प्यार हो जाता है। दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा मत कर प्लीज, उसे आवाज दे। स्वप्न सुंदरी, मैं तेरा बाहुबली। तू ऐसे चिल्ला के तू सबको जगाएगा क्या? धीरे से बुलाना। स्वप्न सुंदरी, ए स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी। घोड़े बेच के सो रही है, पत्थर मार के उठा। हाँ पत्थर कहाँ पर है? मिल गया। ए, क्या हुआ? मार डालेगा क्या उसे? सॉरी बॉस, मैं प्यार में अंधा हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुको छोटा लेके आता हूँ। अरे किस गधे ने मुझे पत्थर मारा है? मैं हूँ। अच्छा आप है, कोई बात नहीं, मैं अभी आई। अरे चुप रहना यार प्लीज, दो मिनट के लिए चुप हो जा। पत्थर मारने की जगह अगर हाथ से उठाते तो बहुत मजा आता ना, बताइए ना क्या बात है? वो तुम्हें देखना था इसलिए आ गए। तो इस गधे से मंगवा लेते, मैं आपसे मिलने आ जाती, यहाँ पर ना कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूँगा। तुम्हारी मैडम कहाँ है? वो क्यों? एक्चुअली ये तुम्हारी मैडम से बहुत प्यार करता है, इसलिए ये उन्हें देखने के लिए आया है। इस गोबर उठाने वाले नौकर को हमारी मैडम चाहिए। तुम भी तो इस घर की नौकरानी हो, लेकिन मुझे तो प्यार हो गया ना, ठीक उसी तरह से ये भी तुम्हारी मैडम से प्यार करता है। और हाँ, प्यार तो अंधा होता है। अरे जल्दी पटाना इसको। वो क्या है, इसके प्यार के लिए हम इसका सपोर्ट करेंगे तो हमारे प्यार के लिए ये हमारा सपोर्ट करेगा। अच्छा वो कहाँ सोई है? मैडम ऊपर के कमरे में सोई है, चलिए ना मैं आपको दिखाती हूँ। अरे बॉस तुम अपनी सेटिंग के लिए आए हो कि मेरी सेटिंग के लिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, संभल कर आराम से, कहीं सीढ़ी टूट ना जाए, जल्दी करना। बाहुबली उसे अकेले जाने दो, हम उसे सपोर्ट करने आए हैं ना, हम भी ऊपर जाएंगे तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। सुनो ना तुम नीचे आ जाओ ना। क्या बॉस, कितने वोल्ट का करंट है तुम्हें जो छूते ही गिर गई?
आराम से बॉस, आओ आगे। यार अब क्या करें बॉस, जाके सीधा दबोच लो। ए, देख इतनी चीप बातें मत कर। अच्छा ठीक है, जो भी करना है जाके कर लो। पर क्या करूं बॉस, ये जुगनू देख रहे हो, इनको पकड़ के अंदर डाल दो। ऐसा करें क्या? पहले पकड़ना तो शुरू करो। चलो बॉस, ये सब अंदर डालते हैं। बॉस अब अंदर जाओ ना। जाऊं क्या? हाँ। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी उठिए, उठ जाइए, ख्वाबों की दुनिया से वापस आइए। राजकुमारी जी आप अभी भी महल के अंदर हैं। राजकुमार जी आपका बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आइए और उनका स्वागत कीजिए। राजकुमारी जी, राजकुमार को आप अपनी बाहों में समेट लीजिए। मुर्गे ने बांग दे दी है, हैं? इन्हें कुछ देर और छोड़ दो तो कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाएगी, हैं? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी अपनी बाहों की चंगुल से राजकुमार को स्वतंत्र कीजिए। अरे राजकुमार जी आप भी वहां से बाहर निकलिए, मुर्गे ने बता दिया है कि सुबह हो गई है। हाँ। राजकुमार फिर से वापस कब मिलने आएंगे? चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, कल गांव के मेले में राजकुमार जी आपसे अवश्य मिलेंगे। अब बहुत देर हो गई है, विश्राम कीजिए। ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो, रेडी हो जाओ, घूमने जाना है। मैडम आज मुझे बहुत काम है, मैंने काम नहीं किया तो बड़ी मैडम डांटेंगी। ए, माँ से कुछ बहाना बना दूंगी, तो जल्दी जाकर रेडी हो जा। ओ, इतना अर्जेंट है? कल रात मेरे सपनों में राजकुमार आया था, आज वो मुझसे मिलने आने वाला। अच्छा? है चल जल्दी चल, चल ना। क्या बात है मेम साहब, आपके राजकुमार तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय जैसे लग रहे हैं। मेरी पसंद है भारती, मेरी पसंद अच्छी तो होनी ही है। ये कथे जैसा इंसान राजकुमार है? ए, तू उन्हें ऐसे मत देख, मेरे राजकुमार को तेरी नजर लग जाएगी। मेम साहब अगर आप मेरे बाहुबली को देखेंगी ना तो बेहोश हो जाएंगी। अच्छा तो देखा वो देखो। अच्छा है, बहुत अच्छा, तेरी और उसकी जोड़ी स्वर्ग में ही बनी होगी, बहुत अच्छी पसंद है तेरी। चल अब हमें चलना चाहिए, चल।